हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या वीडियो होने वाला है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो सबके डाउट्स हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं। आप सोचो कि ये जो पूरा प्रोसेस था ये इतना क्विक था कि मेरे जो नॉन, मेरे फ्रेंड्स, मेरे किसी को पता ही नहीं था कि हम मूव आउट कर रहे हैं, क्या हो रहा है जीवन में। काफ़ी लंबी सी थोड़ी स्टोरी है, सो लेट मी शेयर विथ यू कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम क्यों मूव आउट हो गए हैं, कहाँ मूव आउट हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। एंड अभी जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, मतलब ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और इसी एरिया को, यही कॉर्नर को मैं अपना एज अ यू नो वीडियो शूटिंग वोटिंग के लिए, सिट डाउन वीडियोज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यस, स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। आई थिंक मैं पहली बार ऐसा कुछ स्टोरी टाइम वाला वीडियो बना रही हूँ, बट ठीक है, थोड़ी लंबी स्टोरी है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ पर मूव आउट करें हैं। सो वी मूव्ड आउट टू भोपाल, एंड आप भी स्माइल लेके समझ गए होंगे। जिनको नहीं पता है, भोपाल इज़ माई होम टाउन एज वेल एज विक्कीज होम टाउन एज वेल। हमारे पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डिसीजन इतना बड़ा क्यों लिया गया है और ये इतना क्विक डिसीजन हुआ है ना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टोरी बताती हूँ। जब फर्स्ट वेव वाला जो लॉकडाउन आया था, जिसमें मैं अपने घर वापस आ गई थी, हम लोग दोनों यहाँ पर आ गए थे क्योंकि पूरा फेस्टिव टाइम था और कोविड चल रहा था, ऑफिस ओपन नहीं हुए थे। तो दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 16th ऑफ दिसंबर को हम वापस से हमारा मुंबई जाने का प्लान हुआ था। तो अराउंड 8th और 9th दिसंबर को हमारा ऐसा डिसाइड हुआ था, क्योंकि कोविड का तब भी सिचुएशन पता नहीं था कि कितना आगे बढ़ेगा, कितना ख़त्म होगा, क्या होने वाला है। ऑफिसेज के कुछ रिप्लाइज नहीं आ रहे थे कि एग्जैक्टली कब ऑफिस ओपन होने वाला है। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मैंने तब विक्की को ये एक अप्रोच रखा था कि हम लोग सामान लेके वापस यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम, जब मैं 6 महीने यहाँ पे थी, मेरा काम बहुत हैम्पर हो रहा था, क्योंकि मैं आधे टाइम अपनी मम्मी के घर होती थी, आधे टाइम यहाँ होती थी, वीडियोस बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, मेरा कोई स्पेस एक प्रॉपर नहीं था जहाँ पर मैं बैठ करके काम कर पाऊँ, अलग अलग मतलब भागा दौड़ी चल रही। तो मेरा, मैं कहीं ना कहीं मेंटली काफ़ी हैम्पर, मतलब मज़ा आ रहा था मुझे रहने में, बट मेरे काम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तो मेरा ये थॉट था कि हम लोग आते हैं तो या फिर वापस पूरा सामान लेके आ जाते हैं। एंड विक्की भी कन्विंस्ड हो गया था, हमने सारे ट्रैवलर्स वालों से बात, ये भी काफ़ी लंबी स्टोरी है जो मैंने पिछले बार नहीं बताई थी। तो उस टाइम पे ये सिनेरियो हुआ था, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था। और हमारे दोनों के पेरेंट्स इस तरीके के नहीं है कि दे पुट प्रेशर ऑन अस कि नहीं नहीं तुमको अब ये करना पड़ेगा। हमने उनको बताया, दे वर ऑल लाइक ठीक है, देख लो तुम लोगों को जो ठीक लगता है वैसा वाला। फिर उसके बाद जब हमारा फाइनल हो गया और मेरे इन लॉज देखने लगे कि अरे ये लोग तो बिल्कुल फाइनल ही कर चुके हैं, ट्रक वालों से बात हो रही है, मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात हो रही है, कोटेशंस ले रहे हैं हम लोग, फिर मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हमारे रूम में आए, उन्होंने हमको समझाया कि तुम लोग सोच समझ के डिसीजन लो, अगर मार्च से ऑफिस ओपन हो जाता है तो फिर तुम लोगों को अगेन वही 50,000 रुपीज़ दे करके, तब हमको कोटेशन मिला था 45-50 कुछ का मिला था, तो वही तुम दे करके आओगे तो क्या तुम्हारे लिए। उस टाइम हम 1 BHK में रह रहे थे, तो हमारा जो रेंट था वो कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर हम 4 मंथ्स भी यहाँ पर रहते हैं तो वो हमको सही नहीं पड़ रहा था। तो ठीक है, वे मूव अगेन, हम वापस से वहाँ चले गए, क्योंकि ये था कि मार्च से ऑफिस ओपन होने वाला है तो एटलीस्ट 1-2 महीना सेटल होने में भी लगेगा, क्योंकि मेरा घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मुझे मूव आउट भी करना था उस घर से। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मार्च में आ गया सेकेंड वेव। जब सेकेंड वेव आया एंड व्हेन विक्की गॉट कोविड, लिटरली मेरे सिर्फ ये थॉट्स है, हमारे पेरेंट्स की यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी, तब तक मेरे इन लॉज को कोविड नहीं हुआ था, तो उन लोगों की भी हालत ख़राब हो रही थी। और कहीं ना कहीं मेरे को तब इतना डर तो नहीं लग रहा था, बट मैं अकेली सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज कर रही थी, दो हमारे फ्रेंड्स थे, मेंटल सपोर्ट था एक हमको, बट स्टिल। फिर उसके बाद जब यहाँ पर मेरे इन लॉज को कोविड हुआ था, तब तो बाप रे बाप, वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि हम लोग वहाँ पर टेंशन में बैठे रहते थे कि अब क्या, हर थोड़े थोड़े 2-2 घंटे के अपडेट्स लेते थे, अब क्या ऑक्सीजन लेवल आया है, अब ये क्या हुआ है, अब वो क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें। मतलब एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि जब फुल पीक पे कोविड था, तब विक्की और हम वहाँ से निकलने वाले थे, जब हमको ये पता चला था कि मेरे फादर इन लॉ को लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है। तो वो सब सारी जो प्रोसेस हुई ना, तब जुलाई में मैंने एक बार विक्की को अप्रोच रखा था कि लेट्स गो बैक टू भोपाल यार, मतलब क्योंकि मेरे को भी, मेरे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि वॉट इफ़ अगर उनको ज़रूरत होगी और मैं वहाँ नहीं होगी, मतलब ये सारे दिमाग में मेरे टेंशन्स लगते हैं। मतलब इतनी सी भी एक बात करते करते कफिंग भी होती थी ना, तो मैं पूछती थी क्यों कफिंग हो रही है, क्यों सर्दी होगी, क्या हो गया, ये वो, तो मतलब। और फिर उसके बाद दूसरा हमको एक और रीज़न ये भी है कि वहाँ पर रहने का अभी भी, सी
अभी अब सेकेंड वेव आने के बाद तो मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है कि इतनी जल्दी ऑफिस नहीं ओपन होने वाले हैं। उसका दूसरा रीज़न तो ये है कि आपने देखा ना, अभी जैसे ही जो सेकेंड अनलॉक हुआ है, हमारे अनलॉक होता है लोगों को लगता है कोविड ख़त्म हो गया है, कितने पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स मेरी एक फ्रेंड घूम के आई है, ऐसे घूम रहे हैं ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोविड है ही नहीं। तो इस चीज़ की तो मैं श्योरिटी ले सकती हूँ कि थर्ड वेव फोर्थ वेव सब आएगा। बाहर अभी सुनने में आया है कि लॉकडाउन अगेन फिर से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वेव आ गई है अलग से, कोई कौन से नंबर की आई है मुझे भी नहीं पता है। उसके बाद फिर फेस्टिव टाइम आने वाला था, हमको पता था कि हमको वापस जाना ही है, फेस्टिव टाइम आएगा तो हम राखी पे आएंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे, फिर दिवाली आएगा, फिर दशहरा आएगा, वहाँ यहाँ वहाँ वहाँ ये सब करते रहेंगे। तो इससे बेटर है हमारा ये थॉट आया कि लेट्स मूव बैक टू भोपाल, जब तक ऑफिस नहीं ओपन होते हैं, ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के साथ रहने की भी। तो मैंने सारे कैलकुलेशंस करे हमने पहले बैठ करके। अब बारी आती है कि जब आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बिकॉज वी वर वाइंडिंग अप अवर होल थिंग्स। आप समझ रहे हो, मेरे पास कोई छोटा मोटा काम सामान नहीं है घर में, मेरा एक अच्छा खासा बहुत सारा सामान है मेरे घर में, तो उन सबको उठा करके लेके जाना, फिर उसके बाद एक प्रोसेस ये रखना कि इन केस अगर हमको वापस आना होगा तो क्या वो फाइनेंशियली हमको बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मूवर्स एंड पैकर्स से कांटेक्ट करना। तो हमने जो बड़े बड़े जिनके नाम चलते हैं, जैसे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हो गया, कार्गो हो गया, ऐसे मैंने रेटिंग्स देखी इनकी, उनको कॉन्टैक्ट किया। तो सब आए, सब ने हमारा सामान देखा और हमको कोटेशन देना स्टार्ट करी। तो जो फर्स्ट कोटेशन हमको अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से आई थी, आई थिंक 72 या 75, एंड वी वर लाइक शॉक्ड, मेरे पास 72-75 जाना ही नहीं है। एक और पैकर्स एंड मूवर्स आए, उन्होंने हमको 65 दिया, फिर हमारे पास एक और पैकर्स एंड मूवर्स आए, उन्होंने हमको 52 दिया, फिर एक और से मैंने कॉन्टैक्ट किया था जिनके साथ हम अभी आए हैं, उन्होंने हमको लास्ट कोटेशन दिया था, आई थिंक 48 उन्होंने हमको कोटेशन दिया था, उससे लीस्ट तो मतलब किसी ने दिया ही नहीं है, सब हमारे को 50 प्लस ही दे रहे थे। तो अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनने हमको 48 दिया है और बाकियों ने हमको क्यों, क्या डिफरेंस होगा। तो हम काफ़ी सारे नो रिव्यूज़ देख रहे थे वो क्या मूवर्स एंड पैकर्स में, उनका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा है, हमारा एक भी सामान डैमेज नहीं हुआ है, बहुत फटाफट उन्होंने काम किया था, या मतलब स्मूथ प्रोसेस रहा है टचवुड, और काफ़ी अफोर्डेबल भी थे, मतलब 48-49 में हमारा पूरा काम हो चुका था, 50 अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो। उसके बाद जो हमारा, हमने फिर हमारे ओनर से भी बात किया, हमारे ओनर बहुत ज़्यादा टच वुड मतलब हम लोग ओनर्स के मामले में बहुत लकी थे, हमारे फर्स्ट वो जो अंकल थे वो भी काफ़ी ऐसे अंडरस्टैंडिंग थे, मतलब आपको जो करना है जैसे रहना है जैसा रहना है वो वैसे वाले थे वो भी, एंड इवन जो हमारे सेकेंड ओनर है भी, जो करंट ओनर थे वो भी हमारे बहुत अच्छे थे, अंडरस्टैंडिंग थे, हमने उनको भी ये सारा प्रोसेस मतलब सब कुछ बताया, देवर अग्री, उन्होंने बोला ठीक है आपको जैसा ठीक लगता है वो आप कर सकते। तो हमारे घर में 7-8 days हुए होंगे, हमारे हमको रिप्लेस करने वाले थे जो टेनेंट्स, वहाँ पे टेनेंट्स आने लगे थे, उन्होंने हमसे पिक्स मांगी थी कि आप हमको घर की पिक्स दे दो। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास ब्लैंक घर की पिक्स थी नहीं, पूरा जो खाली घर होता है, तो मैंने जो मेरा डेकोरेटेड घर था उसी की पिक्स दे दी थी। तो इतने लोग घर में आए थे, उसमें से 2-3 तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही थे, एक फैमिली थी वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थी हमारे सामान में, दे गिव अस एन ऑफर कि वो हमको उनको ये सामान के साथ ही सेम घर चाहिए विद एवरीथिंग, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो उन्होंने हमको ऑफर दिया कि दे विल पे अस जितना भी है इसका अमाउंट का टोटल है वो दे देंगे, एंड आप वहाँ पर जाकर के नया ले लेना। विक्की इंटरेस्टेड भी हो गया, विक्की ने मुझे बोला, विक्की बोलता है देना है, चलो देकर चलते हैं वहाँ पर नया खरीद लेंगे। मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट यू नो, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माई इमोशंस। हर एक फर्नीचर के पीछे हमारे कैलकुलेशंस हैं, हमारा दिमाग लगाया है, हमने हमारा टाइम दिया है, हम सोच रहे हैं उसमें कि यार अभी इतने बजट के अंदर ही आना चाहिए, 2000 भी ऊपर हो रहे हैं तो हम उसकी डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं कि नहीं नहीं भैया अब ये मत लगाओ हमारे बजट के ऊपर, मतलब तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस एंड उसके साथ इमोशंस हैं। तो मैंने विक्की को बोला इट्स नॉट अबाउट मनी, बट ये सारा फर्नीचर मैं अपने पास ही रखूंगी, मेरे को बहुत एक एक धीरे धीरे करके बनवाया है, ऐसा भी नहीं कि एक साथ सब कुछ बनाया, तो मेरे काफ़ी सारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए। तो मैंने विक्की को मना कर दिया यार ऐसा तो मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं सब कुछ लेके जाऊँगी। तो हमने सिर्फ अकेली वो जो एक यूनिट है क्रॉकरी यूनिट वो वहाँ पर छोड़ करके आ गए, यहाँ पर पहले टेनेंट्स रहते थे। तो लिटरली इस घर का जो मैं बिफोर आपको दिखाऊंगी नो, यू विल बी शॉक टू सी द बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज बहुत कैसी हालत होती है। 17-18 years old होम है ये, एंड ऑब्वियसली पुराना बना हुआ है, तो जो मार्बल है उसकी हालत एकदम ख़राब कर दी है, मार्बल में से शाइन चली गई है, भगवान जाने क्या। तो आप टेनेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, टेनेंट्स थोड़ा सब कोई अच्छे से नहीं रहते हैं,
तो वैसा है. उसके बाद इसको पूरा रीपेंट करवाया गया. मेरे फादर इन लॉ एंड टीनू ने सब मैनेज कर लिया था. मैंने उनको बता दिया था कि मुझे ये कलर चाहिए. उसके बाद जो जो भी मुझे ऊपर से करना होगा वो मैं खुद आकर के कर लूंगी. थोड़े बहुत एक दो रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगी, बिकॉज आप लोग, मुझे याद है आप मुंबई के घर से इसको शायद कंपेयर करोगे, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मत करिएगा. जिनने इतने मेहनत से ये घर बनाया है उनको भी बुरा लगेगा, तो ऐसे कमेंट्स मत करना, कंपेयर मत करना. वो अलग जगह थी, ये अलग जगह है. वो एक न्यू प्रॉपर्टी थी, वो मुंबई के हिसाब से बनी थी, ये भोपाल के हिसाब से ओन होम है एंड 18 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी है, तो ये उस हिसाब से बनी हुई है और यहाँ पे इतने साल से टेनेंट्स रहते थे, तो दोनों को कंपेयर प्लीज मत करिएगा. एंड दूसरी चीज़ और, ये भी मत लिखना बार बार कि अरे नहीं आपका वो घर ज़्यादा सुंदर था, हम उसको ज़्यादा मिस करेंगे, हम ये करेंगे. वो हमारा रेंटेड अपार्टमेंट था, ये हमारा खुद का है, तो मुझे तो इसी चीज़ से बहुत अच्छा लग रहा है. इफ़ यू आस्क मी दैट हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है. यहाँ पर आते से ही ना मुझे सेंस ऑफ रिलीफ होता है ना, वो लगा कि पेरेंट्स पास में है, इन लॉज भी पास में है, के घर में रह रहे हैं आराम से. यहाँ पर नीचे सब कुछ मैंने सेटअप कर दिया है, ऑलमोस्ट जो बेसिक सेटअप है वो सब कुछ हो गया है. कल से सारा कारपेंट्री वर्क स्टार्ट होगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बहुत कम से कम सस्ता सामान, कम से कम बजट में काम करवाना का प्रोसेस मेरा चल रहा है. एंड क्या मैं मुंबई कभी वापस जाऊंगी, नहीं आऊंगी, ऑब्वियसली यार विक्की का जॉब वहीं पे, विक्की की कंपनी वहीं पे है, तो जब ओपन होगा, सिचुएशन नॉर्मल होगी, कंपनी वाले बुलाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ हैं तब तक मज़े में रहेंगे. एंड ऑल्सो जो अभी कारपेंट्री वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है. क्या बजटिंग है, क्या करा रही हूँ, किससे करा रही हूँ, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी. वो जो पूरा होम टूर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा. अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करिएगा. वो मेक ओवर करने का प्रॉपर प्रोसेस चल रहा है. सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.